हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी गिल्ट विल्डर्स ने किया भारी कमाल, चुनाव में बम्पर जीत, भारत के समर्थन में उठाई थी इन्होंने आवाज। जी हां, खुलकर किया था नुपुर शर्मा का समर्थन, जब किसी ने नुपुर शर्मा का नहीं दिया था साथ, तब इस नीदरलैंड के दक्षिण पंथी गिल्ट विल्डर्स ने किया था समर्थन। अब बनने वाले हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी जीत। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इजराइल ने भारत के इशारे पर हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को किया बैन, जिसके बाद बौखलाई पाकिस्तान की आवाम। क्या कहा दोस्तों भारत को लेकर, इजराइल को लेकर, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकी खालिस्तानी एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी से पलट गया। जी हां, अमेरिका के एसएफजे चीफ को लेकर बहुत बड़ा दावा। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारा साथ देते हुए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य कह दीजिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी गिल्ट विल्डर्स ने किया बहुत कमाल, भारत के लिए हो गया धमाल, चुनाव में बम्पर जीत, भारत के समर्थन में उठाई थी इन्होंने आवाज, खुलकर किया था नुपुर शर्मा का समर्थन। जी हां दोस्तों, नीदरलैंड जहां की आबादी सिर्फ 1,70,00,000 है, वहां के चुनाव की चर्चा भारत में हो रही है। इस चुनाव के एग्जिट पोल में धुर दक्षिण पंथी नेता गिल्ट विल्डर्स की पार्टी को जीत मिली है। गिल्ट विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी बोले तो PVV को 37 सीटें मिली है, दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें मिली है। ये बेहद खास है क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल में अंतर सिर्फ 2 सीटों के ही रहे हैं। ऐसे में PVV के सरकार बनाने की उम्मीद है, लेकिन अगर गिल्ट विल्डर्स नीदरलैंड की सत्ता में आते हैं तो यह देश के साथ ही पूरे यूरोप के लिए एक अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि गिल्ट विल्डर्स को उनके इस्लाम विरोधी रुख के कारण जाना जाता है। भारत में नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण जो विवादों में थी, तो उन्हें गिल्ट ने खुलकर समर्थन दिया था। जब दोस्तों भारत में ही नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई नहीं खड़ा था, तब भी सबसे पहले ये गिल्ट विल्डर्स ने उनका समर्थन किया था, या यूं कह ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले ही गिल्ट विल्डर्स ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। जी हां दोस्तों, अरब देश जब नुपुर शर्मा और भारत के खिलाफ थे, तब इंटरनेशनल लेवल पर गिल्ट विल्डर्स ने बचाव किया था इस्लाम विरोधी रुख के अलावा। उन्हें नीदरलैंड में अप्रवासियों के आने को रोकने की कसम खाने के लिए भी जाना जाता है। एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी को 35 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक निवर्तमान PM मार्क रूटे की पार्टी 23 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। जुलाई में उनकी गठबंधन सरकार गिर गई थी, जिसके बाद ये चुनाव हुआ था। जी हां दोस्तों, विल्डर्स पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के अलावा इस्लाम को पिछड़ा धर्म बता चुके हैं। विल्डर्स दोस्तों कई बार कह चुके हैं कि वे नीदरलैंड में मस्जिदों और कुरान पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। विल्डर्स एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचना झेलने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा ने सच कहा था और उन्होंने इस्लामिक देशों के गुस्से को हास्यास्पद बताया था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गिल्ट विल्डर्स बनते हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर होगी। तो दोस्तों कमेंट में सबसे पहले ऑल द बेस्ट गिल्ट विल्डर्स अवश्य कहिएगा दोस्तों, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके कि भारत समर्थित भी दुनिया में नाम कर रहे हैं। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इजराइल ने भारत के इशारे पर हाफिज के आतंकी संगठन को क्या कर दिया बैन, की बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी, कहा पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है इसीलिए वो ऐसे संगठन को बैन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच रिश्ता बहुत ही मजबूत है, इसका सबूत एक बार फिर देखने को मिला है। आप सभी जानते हैं हाल ही में इजराइल ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा यानी LET पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आवाम के बीच जाकर बातचीत की है। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने हाफिज सईद के समर्थन में कहा है कि वो दुनिया के सामने इस्लाम के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं, हमें भी उनके हर मकसद में साथ देना चाहिए। पाकिस्तानी शख्स ने हाफिज सईद को सही ठहराते हुए कहा कि वो हमारे लिए काम करते हैं। इस पर यूट्यूबर ने कहा हाफिज सईद कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं, हालांकि इस पर शख्स बिल्कुल चुप हो गया। वहीं इस पर एक और पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि इस वक्त सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए वो ऐसे संगठन को बैन कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई आतंकवादी हमलों की 15वीं वर्षगांठ के बीच इजराइल ने लश्कर ए तैयबा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, और इजराइल ने कहा कि भारत का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, और भारत का लश्कर ए तैयबा
2011 हम लोग का मास्टरमाइंड आज से हमारा भी कुख्यात दुश्मन है और उससे हम बदला लेकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पाकिस्तान बौखला गया है और इस प्रकार का जवाब दे रहा है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर, लेकिन साथ ही साथ थैंक यू इसराइल वंस अगेन कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां गुरुपतवंत सिंह पन्नू एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी से पलट गया। जी हाँ, अपने जुबान से ही पलट गया, अपने बयान से ही पलट गया। अमेरिका का एसएफजे चीफ को लेकर बहुत बड़ा दावा। जी हाँ, सिख फॉर जस्टिस प्रमुख आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई से डर गया है, इसीलिए वो एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी देने वाली बात से पलट गया है। उसके सुर ही बदल गए हैं। उसने एक नया वीडियो जारी करके कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है, मैंने एयर इंडिया का बहिष्कार करने की बात कही थी, न कि फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी थी। बता दे कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया को धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था कि अगर 19 नवंबर को फ्लाइट को उड़ाने की धमकी देते हुए सिखों को एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने से बचने की सलाह दी थी, उसने आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली को भी धमाका करके उड़ाने की धमकी दी थी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पन्नू ने अब एक नया संदेश सिखों को दिया है। पन्नू के अनुसार 1 दिसंबर 2023 से टोरंटो एयरपोर्ट और वैंकूवर हवाई अड्डों पर एयर इंडिया का बहिष्कार करके एक नया अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले पन्नू ने 4 नवंबर को भी वीडियो जारी करके दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की थी। तो दूसरी ओर पन्नू लगातार धमकियों पर धमकियां दिए जा रहा है, इससे भारत और कनाडा के बीच तनाव खत्म नहीं हो रहा। जी हाँ, साथ ही ब्रिटेन के एक मीडिया हाउस ने दावा किया है कि अमेरिका की धरती पर पन्नू की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से किया गया है। वहीं पन्नू की हत्या करने की कोशिश करने का आरोप भारत पर लगाया गया है, जिसका जवाब भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्लियर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपसे सवाल है कि पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकी की क्या सजा हो सकती है दोस्तों, जिस प्रकार से वो भारत को लगातार धमका रहा है, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं जहां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां चरण कल से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल और भारत की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण यानी कि 17th ऑफ एडिशन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक होने जा रहा है। इसमें भाग के लिए नेपाली सेना का एक दस्ता बुधवार को काठमांडू से भारत रवाना हुआ। नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल कृष्ण प्रसाद भंडारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच हर साल होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास इस वर्ष भारत के पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का यह 17वां संस्करण है, जिसमें सहभागी होने के लिए नेपाली दस्ता पिथौरागढ़ रवाना हुआ है। ऐसे में दोस्तों भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट अवश्य कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, कहा हमास को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर मारेगा मोसाद। जी हां, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की खुफिया एजेंसी मोसाद को आदेश दिया है कि वे दुनिया भर में हमास के नेताओं की मौजूदगी का पता लगाएं। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मैंने मोसाद को निर्देश दिया है कि वो हमास के नेताओं को दुनिया भर से ढूंढ कर निकाले। नेतन्याहू ने बताया कि हमास के कई नेता दूसरे देशों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान हमास के नेता जश्न मना रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि वे जंग के बाद दोबारा से गाजा पर शासन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में मोसाद पर फलस्तीनी आतंकवादियों और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की विदेशों में हत्याओं का आरोप लगा है। इसके अलावा इजरायली सैनिकों ने विदेशों में कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो इजरायल के लिए खतरा बने थे। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे जहां राजौरी मुठभेड़ में मारा गया लश्कर कमांडर कारी, वो अफगानिस्तान युद्ध का अनुभवी था। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, राजौरी मुठभेड़ में इसको मारा गया और ये लश्कर कमांडर का बहुत बड़ा सहयोगी था और अफगानिस्तान में जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस्ड पर्सन था जिसको राजौरी मुठभेड़ में मारा गया है। वाकई में बहुत अच्छी खबर है भारतीय सेनाओं के लिए। अगली खबर की बात करें जहां पहले सस्ता तेल फिर डायरेक्ट फ्लाइट और अब ब्रिक्स सम्मेलन की सदस्यता, भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ रशिया की बढ़ रही है नजदीकियां। बता दें रशिया और पाकिस्तान के बढ़ती दोस्ती ने भारत को टेंशन में डाल दिया है, टेंशन बढ़ा भी दिया है। एक तरफ पाकिस्तान ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है और इस बीच उसने रशिया के साथ सीधी फ्लाइट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। रशिया में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने बताया है कि दोनों देश फ्लाइट शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच फ्लाइट शुरू होने के महत्व पर जोर देते हुए मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि दोनों तरफ से लोगों के बीच संपर्क होना बहुत आवश्यक है। जमाली ने आशा जताया है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बनेंगे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। पाकिस्तान का कहना है कि सीधी उड़ानें शुरू करके वो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है ताकि विदेशी पर्यटकों की संख्या
यहाँ बढ़ाई जा सके। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत